नरवर के ऐतिहासिक स्थल रेस्ट हाउस के पास स्थित दशहरा मैदान में लगी मीना बाजार मेले का उद्घाटन पशुधन एवं कुक्कुट पालन निगम अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री दर्जा जसवंत जाटव एवं भाजपा जिलाध्यक्ष राजू बाथम ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। मीनू बाजार यहां पर मेला आयोजकों के द्वारा लगाया गया है और मुख्य अतिथियों का तिलक कर पुष्पाहार पहनाकर शॉल ओढ़ाकर श्रीफल भेंट कर स्वागत किया गया। मीना बाजार मेला 15 फरवरी से 15 मार्च तक चलेगा। मीना बाजार मेले के मुख्य आकर्षण ड्रैगन झूला, ट्रेन झूला, बच्चों का झूला, मिकी माउस, कपड़े की दुकान, स्टील की दुकान, बच्चों के लिए खिलौने की दुकान, बिजली झूला, ड्रैगन ट्रेन, आइसक्रीम, चाट पापड़, कॉस्मेटिक, ज्वेलरी बैग व दैनिक उपयोग की वस्तुओं की दुकानें लगी हैं। विगत 2 वर्षों से कोरोना का संकट के समय में लोगों के मनोरंजन कार्यक्रम बंद होने से उत्साह में कमी आई थी, लेकिन अब मेला लग जाने से यहां पर सभी प्रकार के मनोरंजन के कार्यक्रम चालू हो चुके हैं, जिसमें लोगों का उत्साह पहले से बढ़ गया है। मीना बाजार मेले में आने से नरवर सहित आसपास के अंचल में भी उत्साह व उमंग का माहौल देखने को मिल रहा है। शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्र के लोग आकर मेले का लुत्फ उठा रहे हैं। मेले में सबसे ज्यादा बच्चों को आनंद आता है, क्योंकि मीना बाजार मेले में कई तरह के झूले आने से बच्चे आनंदित होते हैं। मंत्री जी, नरवर में जो ऐतिहासिक स्थल दशहरा मैदान पर जो आज भव्य मेले का आयोजन हुआ है और आपके कर कमलों से इसका शुभारंभ हुआ है, इसके विषय में मेला आयोजकों और नगरवासियों के प्रति क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी जो परंपरा है, प्राचीन परंपरा है, हमारे जो उत्सव के रूप में हम मनाने जा रहे हैं, ये कोई पहली बार नहीं है। शिवरात्रि के पावन पर्व पर हर वर्ष इस प्रकार का मेला नरवर में लगाया जाता है। ये सांस्कृतिक मेला है, इससे नगरवासी एक जगह होकर एक भाईचारे के रूप में सब समग्र एकता और अखंडता का परिचय नरवर के मेले के माध्यम से नरवर देता है, और नरवर की जो तहजीब है, गंगा जमनी तहजीब, हम सब मिलकर शिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान शंकर जी के आह्वान करते हुए हम सब भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं और अपने मेला का आयोजन होता है। आपका क्या विचार है इस बारे में? मेरा तो इतना ही सोचना है कि इस ऐतिहासिक किले के नीचे और ऐतिहासिक मेला आपके द्वारा जो आयोजित किया जा रहा है, मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ मेला आयोजकों को। और मैं इतना अवश्य समझता हूँ कि इससे एक तो पूंजी का विकेंद्रीकरण होता है। हमारी बहनें, हमारे भाई और हमारे ग्रामीण जन जो बाहर बड़े बड़े शहरों में जाके जो लाभ लेते हैं मेला देखने का, यहाँ पर शॉप टी भी है, यहाँ पर हर माल की दुकान भी है, यहाँ पर ट्रेन का भी है, झूला भी बहुत मनोरम है, मनोरम स्थल है और शिवरात्रि का पावन पर्व है, निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है। और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये शिवरात्रि की पूर्व संध्या पर मुझे जो आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई। और मैं शुभकामनाओं के साथ साथ आज अगर बहुत छोटे स्तर पर जरूर है, लेकिन बहुत मनोरम है और आगे हम इसको नरवर के सभी जनप्रतिनिधि और जसवंत जी भी मिलके हम इसको बड़े स्तर का मेला बनाएंगे और जिले से भी लोग यहाँ देखने आएंगे, ऐसी हमारी इच्छा है। धन्यवाद।